हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं जवाब दीजिए। और क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी आवाज क्लियर है तो ओके, थैंक यू। यस यस यस, ग्रेट। कैसे हैं सब? बिल्कुल ठीक। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं बताइए। हरियाणा, ओके, दैट्स गुड। नागपुर, दिल्ली, गुड गाइस। अमृतसर, राजस्थान, चिकना, सांगली, ओके, रायपुर, नासिक, जमशेदपुर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड गाइस। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। होपफुली आपने पहले दो वेबिनार ज्वाइन किए होंगे। ये हमारी चार वेबिनार की सीरीज है। नवी मुंबई, बिहार, ठीक है, गुड, ओके। जस्ट मैं स्क्रीन पे आता हूँ, टेक पे। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हमारा आज ये वेबिनार है, वेबिनार नंबर तीसरा है, आपने गलत लिखा हुआ है, वेबिनार नंबर वन। दो वेबिनार हम कर चुके हैं। पहला हमने साइकोलॉजी के ऊपर किया था, पहला साइकोलॉजी के ऊपर किया था, और दूसरा अब हम जो फ्लैग पैटर्न के ऊपर किया था। तो होपफुली आपने दोनों ज्वाइन किए होंगे। और ये तीसरा वेबिनार है, एक और वेबिनार है जो थर्सडे को होगा। तो हमारी ये चार वेबिनार की सीरीज है जो हम जून में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम कोरिलेशन के ऊपर बात करेंगे थोड़ा। यहाँ पर आप समझेंगे क्या चीजें कोरिलेशन और किस तरीके से होती हैं, उस सबके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी है मटेरियल, जैसे मैं रिपीट करता हूँ बार बार, कि एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई इसके बेस पे इन्वेस्टमेंट मत लीजिए डायरेक्टली। और टिकमिल ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है अकाउंट खोल सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रोकर है, मैं भी यूज करता हूँ। मेरे लिंक था, अगर मेरे लिंक में खोलना चाहते हैं तो YouTube के वीडियोस में सभी जगह पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन कर सकते हैं। कोई इशू आता है मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पर, तो मैं वहां पर आपकी हेल्प करूंगा। और दो तीन वीडियोस के लिए बनाए हुए हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे डिपॉजिट विदड्रॉ, अगर आपको इसमें कुछ इशू आता है तो वहां पर तीन चार वीडियो है जो आप टिकमिल की प्लेलिस्ट दे सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पर बात करेंगे हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज करेंसी कोरिलेशन? करेंसी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर निगेटिवली? दो बार आ गया है यहाँ पर। कौन से टाइम फ्रेम में हमें कोरिलेशन को देखना चाहिए? क्या कोरिलेशन स्टेबल होता है? क्या कमोडिटीज ऑल्सो कोरिलेटेड होती हैं? और क्या टूल्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं कोरिलेशन के लिए? तो ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे आप। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफी तरीके से हमें पता नहीं होता कि हम किस करेंसी और एक ही पेयर में बार बार या तीन चार पेयर में जो कि एक ही तरीके से कोरिलेटेड होते हैं, उनमें हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं, व्हाट इज करेंसी कोरिलेशन? तो आप सिंपल क्या समझते हैं करेंसी कोरिलेशन से? जस्ट मुझे एक आइडिया दीजिए। मैं यहाँ पर इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ ताकि आप भी नींद ना आए आपको, सिंपल कहना चाहूंगा, ठीक है ना? मैं आपको ज्यादा बोर ना करूँ, तो इंटरेक्टिव रखूंगा ताकि आप भी मेरे से सवाल जवाब करते रहे, तो कि हम इसको एक इंटरेक्टिव वे में कर सके। तो करेंसी कोरिलेशन जस्ट सिंपल वे में आप क्या समझते हैं, जवाब दीजिए मुझे चैट में। आप चैट में लिख सकते हैं जो भी नहीं पता। ओके राकेश जी, ओके, चलिए मैं बताता हूँ, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, सेम रेशो बाय परफॉर्मेंस रिलेटेड टू अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके ओके, चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक ड्राइंग पैन ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर समझा सकूं, ठीक है? करेंसी कोरिलेशन का मतलब क्या? कभी कभी आपने देखा होगा कि करेंसी, एक करेंसी ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी करेंसी भी सिंपल ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब एक पेयर और दूसरा पेयर, कोई भी ले लीजिए, यूरो एसडी, जीबीपी यूएसडी, तो दोनों ऊपर जा रहे हैं, या फिर एक नीचे की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो यह एक तरीके से कि पैक, एक तरीके से दोनों एक तरीके से जुड़ी हुई, पैक कहना मतलब एक तरीके से अटैच होती है, कि मतलब ये भी ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जा रही है, वो कोरिलेटेड है किस तरीके से, और या फिर वो एक तरीके से ऊपर जा रही है तो दूसरी बिल्कुल अपोजिट जा रही है। इसी को कोरिलेशन कहते हैं, कि मतलब एक करेंसी दूसरे करेंसी से किस तरीके से जुड़ी हुई है, और इसी को कोरिलेशन। तो यही इसके पीछे होता है, इसके पीछे का नंबर जाने की क्या रीजन। दूसरा, करेंसी जो होती है, इसको बंद करता हूं, या तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है, तो पॉजिटिवली का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं एक वाइट बोर्ड ले लेता हूं ताकि यहाँ पर ये क्लियर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? नहीं तो यहाँ पर मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको ठीक तरीके से। जैसे कि मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग मेरी हट नहीं रही है, मैं दोबारा से इसको शेयर करता हूँ आपके साथ।
a technical issue. Sorry, guys. Okay. दोबारा से आपके साथ शेयर करता हूँ इसको. मुझे बताइएगा जब आप देख पाए. क्या आप देख पा रहे हैं? हेलो, नो, ओके, सॉरी अगेन. देखते हैं क्या ऐसे चल रहा है. सॉरी फॉर दिस शो. दोबारा से देखता हूँ कोशिश करके. ओके, क्या आप देख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू. थैंक यू. सॉरी गाइज. तो बैग आते हैं उस टॉपिक पर. देखिए, करेंसी दो ही तरीके से कोरिलेट होती है, या तो पॉजिटिवली या निगेटिवली. तो यहाँ पर अब मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ ताकि क्लियर रहेगा. मुझे बताइएगा जब व्हाइट बोर्ड आप देख पाए. यहाँ पर क्लियर आप दिख रहा है. ठीक है, तो बात आती है, एक है पॉजिटिव पी और दूसरा हो गया निगेटिव. पॉजिटिव का मतलब कि मान लीजिए यूरो यूएसडी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है. तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. आप समझे, कभी कभी एक करेंसी जा रही है तो दूसरी भी ऊपर जा रही है. या फिर अगर यूरो यूएसडी नीचे की तरफ जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों पॉजिटिवली, भले ही वो ऊपर की जाए पर डायरेक्शन सेम. जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इसका मतलब है कि दोनों करेंसी पॉजिटिवली कोरिलेटेड. और निगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब दोनों करेंसी एक दूसरे के अपोजिट चलें. तो मान लीजिए यूरो यूएसडी तो ऊपर की तरफ जा रहा है और यूएसडी स्विस फ्रैंक नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोनों करेंसी एक दूसरे से निगेटिवली कोरिलेटेड. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए जब भी हम ट्रेड लें, कि हम एक ही तरीके की करेंसी में चार पांच ट्रेड ले रहे हैं, जबकि हम अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, अपना रिस्क ही बढ़ा रहे हैं. रेदर देन कि आप सोच रहे हैं मैंने तो तीन चार अलग अलग जगह पे सेटअप किए, पर आप एक ही जगह पे, क्योंकि वो एक दूसरे से अगर इस तरीके से अटैच हैं तो आप गलत जगह तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं. या फिर यहाँ पर आपने इसमें बाय कर लिया और यहाँ पे भी आपने इसमें बाय करने की सोच रहे हैं, या फिर इसमें सेल करने की सोच रहे हैं. दोनों तरीके से आप एक ही चीज कर रहे हैं आप, तो उस तरीके से आप इस चीज को बचना होगा. चलते हैं हम दोबारा से अपने डेक में. तो पॉजिटिव और निगेटिव दो ही तरीके की चीजें हैं. अब आता है बात, क्या कोरिलेशन परमानेंट होता है? मुझे बताइए चैट में, क्या कोरिलेशन परमानेंट है? मतलब अगर एक चार्ट यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी, क्या वो हमेशा के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है. जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है. करेंसी कभी भी हमेशा के लिए परमानेंटली या स्टेबल कोरिलेशन नहीं हो सकती, कोरिलेट नहीं हो सकती. ये चेंजेस होते रहते हैं. ये मत समझिए कि जीरो यूएसडी आज ऊपर जा रहा है, जीबीपी यूएसडी जा रहा है, तो वो हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना? तो इसके लिए क्या क्या चेंजेस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन रहते हैं. तो एक करेंसी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और काफी फैक्टर्स हैं कि चेंजेस आते रहेंगे. अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए कुछ रीजन है. उनमें से क्या मेन रीजन आता है? डाइवर्जेंस मॉनिटरी पॉलिसी. अगर चेंजेस होंगे, जब तक यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी की दोनों की कंट्रीज की मॉनिटरी पॉलिसी सिमिलर होंगी, तो चांसेज है दोनों एक तरीके से कोरिलेट कर सकते. जहां पर उन दोनों में डिफरेंस आएगा 5 साल में या 4 साल में, जो उनके फोरकास्ट होंगे उनको दूसरी तरीके से देखते हैं, उनको क्या नंबर्स आते हैं जीडीपी या मॉनेटरी, अगर वो डिफरेंट होंगे फिर उसमें कोरिलेशन में आपको दिखेगा चेंजेस आने से. दूसरा, कॉमोडिटी से सस्पेक्टिबिलिटी हो जाए कि पेयर जो कॉमोडिटी से है अगर वो अटैच है तो उन दोनों में डिफरेंस आना शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी क्या है करेंसीज की, वो कॉमोडिटी से अलग हो जाए. या फिर जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, तो इकोनॉमिक जैसे मैंने बोला जो भी आपके मेजर होते हैं जीडीपी वगैरह या इंटरेस्ट रेट, वो या फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, दोनों जगह पे अलग अलग अगर सेम चल रहे हैं तो उस तरीके से फिर वो कंट्रीज की कोरिलेशन ठीक रहेगा. अगर उनमें डिफरेंस आना शुरू हो जाता है तो जो स्टेबलनेस है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगी. तो हमेशा के लिए कभी भी ये ब्लाइंडली मत सोचिए कि अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है यूएसडी स्विस फ्रैंक हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, हमेशा के लिए कोरिलेट नहीं होंगे. कुछ ना कुछ वो हमें देखना होगा कि अदर फैक्टर्स क्या हैं जो उस चीज को इम्पैक्ट करते हैं.
अगर हम कोरिलेशन को चेक करें, यहाँ पर कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ एक चार्ट एग्जांपल यहाँ पर देखना चाहूँ कि हम यूरो यूएसडी को देख रहे हैं, यहाँ पर बाकी करेंसी से देखते हैं क्या कोरिलेशन है, ओजीयूएसडी से, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपीयूएसडी, एनजेडी यूएसडी। ये पहले मंथ में देखें आप, ओजीयूएसडी जितना वो नंबर ज्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेट होगा। यहाँ पर देखिए पहले मंथ में सबसे ज्यादा है वो जीबीपीयूएसडी 0.95, जितना यूरोएसडी मूव कर रहा है उतना 95% सेम डायरेक्शन में जीबीपीयूएसडी चल रहा है। गाइज जो भी कोई हैंड रेज कर रहे हैं तो मैं क्वेश्चन आपके एंड में लेता हूँ सेशन के, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आप एंड में पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट में जब भी लिखना चाहे, अगर मेरी नजर पड़ती है तो मैं चैट में भी कवर कर लूंगा जब भी होगा, नहीं तो एंड में जब भी होगा मैं आपको टाइम दूंगा 5-10-15 मिनट का, वहां पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे साथ आप फ्लो में बने रहेंगे तो टॉपिक को हम जल्दी से कवर भी कर पाएंगे। अब बात कर रहे थे कि हाँ, तो सबसे पहले महीने में आप देखें जीबीपीयूएसडी सबसे ज्यादा कोरिलेट कौन सा है, जीबीपीयूएसडी, ये सबसे ज्यादा, उसके बाद एनजीडी यूएसडी, और जो नेगेटिवली है -1 की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो ऊपर जा रहा है बिल्कुल अपोजिट -1, दोनों इस तरीके से कोरिलेट। तीसरे महीने में जाके देखें जीबीपीयूएसडी कम होना शुरू हो गया, एनजीडी यूएसडी ये भी कम हो गया, यहाँ पे भी कम। इसमें 6 महीने का मैं ट्रैक करके देखें तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल जो 95 था वो 90-30% में चेंज है। अगर एक साल में देखें उसको ट्रैक करके देखें तो अब सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा है, ओजी यूएसडी यूरो यूएसडी के साथ, उसके बाद जीबीपी यूएसडी या फिर एनजेडी यूएसडी, इस तरीके से कहें तो टाइम फ्रेम को हमें देखना होगा, हमें जस्ट ब्लाइंडली ये नहीं देखना होगा कि जस्ट ये तो हमेशा के लिए स्टेबल है, ये इस तरीके से ही मूव करेगा, चेंजेस आते रहे। अगर आप 1 महीने का डाटा देख रहे हैं उस तरीके से अगर डिसीजन ले रहे हैं तो फिर वो देखिए कि क्या ट्रैक नंबर है, किस तरीके से है। मैं कहूंगा कम से कम 6 महीने तक का देखें कोरिलेशन कि क्या डाटा है, किस तरीके से आप कोरिलेशन किस तरीके से, अब जस्ट ये नहीं कि मैंने 1 महीने का नंबर रन किया वो इस तरीके से कोरिलेट है, अब ये दोनों कंट्री एक दूसरे से परफेक्टली, ऐसा कुछ नहीं होता है। 6 महीने 1 साल इतना डाटा लें तभी आप कोरिलेशन पता कर पाएंगे कि हाँ करेंसी कितना कोरिलेटेड है। दूसरा हम अगर ओजी यूएसडी को देखें यहाँ पे बाकी करेंसी से कंपेयर करके, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीपी यूएसडी और स्विस फ्रैंक, तो पहले महीने में आप देखिए सबसे ज्यादा ओजी यूएसडी एनजीडी यूएसडी से, ये हमेशा की तरह ज्यादातर ये रहता है क्योंकि दोनों कंट्रीज में अगर कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा तभी इसमें चेंजेस आएंगे। तो वही देखिए पहले महीने में 93, तीसरे महीने में 92, छठे महीने में 88, फिर 1 ईयर के बाद 99, तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। पर यूरो यूएसडी को देखें तो पहले कम था वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, अपोजिट मतलब यहाँ पर जो था हम उसको इसी तरीके से देख रहे हैं, यूएसडी स्विस फ्रैंक हमेशा अपोजिट में जा रहा है, तो ये नंबर हमेशा चेंज हो जाते हैं। और जीबीपी यूएसडी जो कि इतना स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड था बिल्कुल कंप्लीटली, 1 साल में अगर आप देखें नंबर करके तो वो बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट है। तो वो टाइम फ्रेम आपको देखना होगा कि किस टाइम फ्रेम में है, उस दौरान क्या वो रिलेटेड है या कोरिलेटेड है या नहीं, जस्ट ब्लाइंडली नहीं देखना है कि हाँ ये है तो 1 साल बाद भी रहेगा। तो नंबर को हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए, और चेक कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स हैं आप इसके लिए चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपके साथ काफी वेबसाइट है आप उनको यूज कर सकते हैं। आप हीट मैप आता है करेंसीज का, एक साइट है, मैंने काफी साइट्स बताई हुई हैं, जैसे आपकी एफएक्स स्ट्रीट हो गई, आप इसको यूज करना चाहें, और भी साइट्स हैं, इन फ्यूचर मैं आपको शेयर करूंगा आने वाले मेरे वीडियोज में, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, मुझे बताइएगा जब आप मेरी स्क्रीन देख पाए, अगेन अगर इशू ना हो मैं यहाँ पर आपके साथ दोबारा से स्क्रीन, ये investing.com स्क्रीन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप देखें क्लोज कर देते हैं, यूरो यूएसडी है मान लीजिए, ठीक है ना, कोरिलेशन की है ये, फॉरेक्स कोरिलेशन यूरो यूएसडी, मैं देखना चाहता हूँ हार्डली में, डेली में या 5 आवर में, किस तरीके से मैं उसको देखना चाहता हूँ, आप इसको क्लिक करें, कितने पीरियड आते हैं ऑर्डली 300 घंटे की आप कोरिलेशन यहाँ पर देखेंगे, तो 300 घंटे में मैं देखूं तो क्या कोरिलेशन चली हुई है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा मेरा या तो इंटरनेट स्लो है जो भी है, यहाँ पर ये इंटरनेट स्लो है शायद इस वजह से, या पता नहीं या साइट हैक है, जो भी है, यहाँ पर जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये कोरिलेशन बता देता है कि कौन सी जो करेंसी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कोरिलेटेड। मैं दोबारा से चेक करता हूँ, अगर ये साइट चल जाती है तो इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, क्या आप शायद देख पा रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा, सॉरी गाइज इस बार थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, आप देख पा रहे हैं ना, ये investing.com की वेबसाइट,
एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके वेबसाइट दिख रहा है, ठीक है, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको जी। यहां पर आप देखें यूरो यूएसडी का हमने कोरिलेशन करा, इसको हम बंद कर देते हैं। यूरो यूएसडी 5 मिनट में या एक बार जो भी है आप देखना चाहे वो आवर्ली में, और मैंने पीरियड ज्यादा ले लिए 300 और उसको कैलकुलेट करा, तो उसके बाद आप देखिए सबसे ज्यादा कोरिलेशन, आप देखिए यूरो जेपीवाई सबसे ज्यादा कोरिलेटेड ये है, यूरो कैड है 67, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80, ये जो सेलेक्ट किए हैं वो चार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जो भी आप चार्ट देखना चाहें, तो सबसे टॉप पे जो है जीबीपी जेपीवाई स्विस फ्रैंक, और सबसे ज्यादा कम जो अपोजिट में है आप यहाँ पर करेंसी देख सकते हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके चार्ट यहाँ पर दिखने शुरू हो जाते हैं। साउंड रुक रही है, साउंड सबको क्लियर आ रही है अभी? मेरी साउंड क्लियर है सभी को? ओके दोनों गाइज, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है इस वेबिनार में, अभी अभी तक हमारे दो ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टूल्स हैं, और भी टूल्स हैं, जैसे मैंने बोला मैं आने वाले दिनों में और यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी आप कैसे आप इसको कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं वीडियोस वगैरह में, आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, या फिर आप उन पर ट्रस्ट ना करके आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने टूल्स यूज करें कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, तो आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको ये कैलकुलेशन करनी, अभी आप मेरा डेक देख पा रहे हैं, कैन यू डू योर ओन दिस कैलकुलेशन, है ना? यस ओके, तो आप या तो वो टूल यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया, काफी है, एक्सचेंज है, एपेक्स स्ट्रीट है, और भी वेबसाइट है काफी इतनी है जहां पर आपको हीट मैप दिख सकता है कहीं से, या फिर मैं आपके साथ और आने वाले एक दो हफ्ते में जैसे मैंने बोला वीडियो शेयर करना चाहूंगा, वहां पर डिटेल में बताऊंगा कैसे आप इसको डिटेल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बता चाहूँ अगर आप इसको खुद कैलकुलेट करना चाहें, आप साइट पर इतना ट्रस्ट ना करते हो, आप चाहते हैं मैं खुद करूँ, आप एक्सेल में सीधा सिंपल यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास नंबर है यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी आप चेक करना चाहें क्या वो 6 महीने में कोरिलेटेड है या नहीं, 1 साल में अपने आप से नंबर, आप बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा यहाँ पर करने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल जो फॉर्मूला आता है आपका कोरिलेट फंक्शन का, अगर एक्सेल में आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक्स नंबर है कोई भी और ये वाई नंबर है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक्स एन पी एन ये कहें कि एक्स के साथ अगर मैं देखूं जिसमें कोई कोरिलेशन नहीं दिखेगा, मतलब कि दोनों डिफरेंट तरीके से हैं, और उसका निकालें तो यहाँ पर 0.0, जितने जीरो के क्लोज रहेगा वहां पर कोई कोरिलेशन नहीं। अगर मैं एक्स को पॉजिटिव के साथ कोरिलेशन करूं कि मतलब सिमिलर नंबर में रहेगा, तो यहाँ पर वो 1 के पास जितना रहेगा उतना आपका पॉजिटिव कोरिलेशन रहेगा, और जितना एक्स को अगर निगेटिव मतलब उसके कंप्लीटली ऑपोजिट अपोजिट में चले, तो वहां पर जब आप ये फंक्शन लगाएंगे कोरल ये सभी जगह पर रेंज लेके, तो आपको वो 0 का मतलब कि माइनस में जाएगा। तो जितना वो 90 प्लस में रहेगा आप पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, जितना माइनस में रहेगा नेगेटिवली अगर दोनों 0 के पास हैं तो कोई कोरिलेशन नहीं। तो या तो आप एक्सेल से यहाँ पर भी नंबर आपको यूरो यूएसडी जीबीपीएसडी सबके बैंक रेट बैंक साइड से मिल सकते हैं, या कहीं पर भी आप ले सकते हैं ट्रेडिंग व्यू कर, कहीं पर भी आपको ये नंबर इजिली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से करते, तो मैनुअली आपको करना है, आप किसी और चीज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप अपने वर्क पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कोफिशिएंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग डेली, तो क्लोजिंग प्राइस जितना डेली 4 आवर या 15 मिनट से ऊपर रहेंगे तो बेटर रहेगा इसको कोरिलेशन को जब भी आप चेक करें, क्योंकि नीचे जितना रहेगा फिर कैलकुलेशन का इतना कोरिलेशन का मैटर नहीं रह जाता है। तो हमेशा डेली क्लोजिंग प्राइस 4 आवर का क्लोजिंग प्राइस, और जैसे मैंने टाइम फ्रेम बताया कम से कम 6 महीने या 1 साल का पीरियड लें तो आपको क्लियर पिक्चर वहां पर मिलती है। जस्ट अगर मैं 1 महीने में देख रहा हूं तो 1 महीने के दौरान अगर आपने जस्ट लिया तो आप उसके बेस पे 3 महीने या 2 महीने आगे जाके ट्रेड ना करना शुरू करते, 1 साल का डाटा लेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ ये 1 साल पूरा कोरिलेटेड है, और फिर उसको रोलिंग पीरियड करते जाएंगे तो बेटर रहेगा, या फिर आप साइड से कंटिन्यूसली चेक करते रहिए, आप वीकली चेक करें, ये नंबर ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज ये कुछ है कुछ और है। हाँ आप अगर 15 मिनट में इसमें चेंज करना चाहें तो वो एकदम से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो डेली 4 आवर को लेकर चलेंगे, कोरिलेशन को डिफाइन करके चलेंगे, 6 महीने 1 साल का डाटा लेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर है, बेटर पिक्चर पाएगी कि हाँ ये करेंसी कोरिलेटेड है या नहीं। कुछ करेंसी कोरिलेशन को चेक करके देखते हैं यहाँ पर, कि अगर मैं यहाँ पर आपके साथ चार्ट देखूँ, थोड़ा यहाँ पर फजी पिक्चर है, मेरे क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाई थी जो मैं देख रहा था। जस्ट ऊपर का चार्ट अगर आप देखें यूरो यूएसडी का है, और जो नीचे वाला है वो जीबीपी यूएसडी का है। तो अगर आप कोरिलेशन को देखें बिल्कुल किस तरीके से, अगर वो पूरी तरीके से कोरिलेटेड रहते हैं तो बिल्कुल
अगर ये वाला डाटा देखें तो पूरी तरीके से वो नीचे की तरफ डाउन जाता है, जहां पर वो कम जाता है। तो जितना 90% प्लस, जैसे वो नंबर देखे थे हमने चार्ट में 0.90, 0.86, तो जितना 0.90 प्लस रहेगा उतना परफेक्टली कॉरिलेशन अच्छा है। जितना वो कम होता चला जाएगा तो आप देखिए चेंजेस थोड़ा मतलब ऊपर तो जा रहा है यहाँ पर भी, पर थोड़ा यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट उस हिसाब से ज्यादा आ रहा है या कम आना शुरू हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कितना कोरिलेट है, जितना 90 प्लस रहेगा उतनी अच्छी कोरिलेशन, उतना ज्यादा वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। हमने बात करी थी पॉजिटिवली कोरिलेशन। उसी तरीके से और चार्ट को देखें, और मैं एग्जांपल आपके साथ दिए, क्या करेंसी ही कोरिलेटेड रहती है? आप ये सोचना चाहेंगे कि आप करेंसी को ही देखेंगे, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सच नहीं है, कमोडिटीज भी इसके साथ कोरिलेटेड रहती है, जैसे कि ऑयल और गोल्ड, इनको भी आप ले सकते हैं, ये भी आपकी पैग रहती हैं जो करेंसीज के साथ है। इसके एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो पहला मैंने लिया हुआ यूएसडी कैट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दूसरा लिया हुआ है ऑयल। तो यूएसडी कैट नॉर्मली और ऑयल, क्योंकि जो दोनों एक तरीके से अटैच रहती है, जो जब भी है यूएस डाउन जाता है ऑयल प्राइस ऊपर की तरफ ही जाते हैं, पर आजकल थोड़ी सिचुएशन अलग है क्योंकि मार्केट का सिनेरियो कुछ अलग है, तो वही सेंटिमेंट सब चीजें हमें देखनी होती है। पर नॉर्मली जो रहता है अगर कैट और ऑयल को कंपेयर करके देखें, दोनों एक तरीके से अपोजिट में यहाँ पर चलती है, क्योंकि कैट उसके साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पर अगर वो ऊपर जा रहा है कंप्लीटली वो नीचे 90%, 80% इतनी आपको कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम देखें ऑजी विद गोल्ड, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जो है मोस्टली एक्सपोर्टर है गोल्ड का, तो जो भी पेमेंट है तो वो पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इसके साथ अटैच रहता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी देखें, कभी हम इसके फैक्टर या जो फंडामेंटल है उनको भी डिटेल में चेक करेंगे, तो जहां पर भी वो पूरी तरीके से कोरिलेशन में आएगा वही 90%, 80%, 90%, तो वहां पर आप पॉजिटिव कोरिलेशन देखेंगे ऑजी यूएसडी गोल्ड का भी। तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रहेगा, मैंने कहा अभी भी स्टेबल मत समझिए, नंबर को चेक करना जरूरी होता है, बिना नंबर चेक करने जस्ट कि एक बार चेक कर लिया तो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑजी यूएसडी गोल्ड के साथ पॉजिटिव मोस्टली चांसेस में देखा जाता है। जेपी बाई गोल्ड, क्योंकि थर्ड करेंसी ये है जो सेफेस्ट हेवन मानी जाती है, पर आजकल नहीं है क्योंकि जेपी पूरी तरीके से डाउन जा रहा है, ठीक है ना, तो वो पैक नहीं है आजकल, नहीं तो नॉर्मली अगर आप इसके भी चार्ट को देखेंगे तो वो भी इस तरीके से हो रहता है। दूसरा निगेटिव कोरिलेशन की बात करें यहाँ पर, जो कि उल्टा चलता है, निगेटिव मतलब कि एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, तो यूरो यूएसडी यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो यूएसडी स्विस फ्रैंक हमेशा ऊपर की तरफ, क्योंकि यूएसडी क्या है अपोजिट में है। यहाँ पर अगर सिंपल लॉजिक फैक्टर समझ के चलें, यूएसडी यहाँ पर ऊपर है और यूरो स्विस फ्रैंक दोनों यूरो यूरो रीजन की करेंसी है, तो अगर यूरो जो है वो कंबाइन है, स्विस फ्रैंक जो भी वहां की कंट्रीज है उन सभी को कंबाइन करके चलता है, तो स्विस फ्रैंक भी, तो इसीलिए दोनों अपोजिट में आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यूएसडी यहाँ पर राइट साइड में है, यूएसडी लेफ्ट साइड में है, और स्विस फ्रैंक यूरो दोनों यूरो की करेंसी है। तो इस तरीके से अपोजिट में जाना मोस्टली ज्यादातर मैं कहूंगा कि ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से कोरिलेट करते हैं। तो यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है यूएसडी स्विस फ्रैंक नीचे जाएगा, यूरो यूएसडी नीचे जा रहा है यूएसडी स्विस फ्रैंक मार्केट ऊपर, बस वो देखना होता है कि कोरिलेशन कितना है, वो 80% है, 90% है, 70% है, कितना है, पर मोस्टली निगेटिव में रहेगा। जैसे कि अगर हमने पिछले वो चार्ट में देखा था, अगर मैं वहां पर आपको दिखाऊं दोबारा वापस चल के एक बार देख लेते हैं मेरी बात को समझ पाए, वहां पर आ गया मैं, दो मिनट, जो हमने चार्ट देखे थे ये वाले, यहाँ पर आप देखें यूरो यूएसडी हमेशा 196, 90, 97, मतलब नंबर चेंज होते रहेंगे पर वो रहेगा नेगेटिवली कोरिलेटेड, वो कितना है वो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। उसी तरीके ओजी यूएसडी के साथ भी आप यहाँ पर देखें 0.70, 0.84, 0.78, 0.97 रहेगा नेगेटिव ही, क्योंकि दोनों अपोजिट में है यूएसडी दोनों के, पर वो कितना होता है वो टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है, उस दौरान उस टाइम पे सेंटीमेंट क्या है उस तरीके से चलता है। तो ये चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता था उस चार्ट के थ्रू। अब वापस चलते हैं हम, ये हमारा स्विस फ्रैंक का था एग्जांपल, जेपीवाई का, और ये निगेटिव। हाँ, अब चलिए चार्ट में एक दो मैं यहाँ पर वैसे आपको दिखाना चाहूंगा कि हम चार्ट में किस तरीके से इसको देख सकते हैं, मुझे बताइएगा जब आप मेरा चार्ट देख पाए। क्या चार्ट देख पा रहे हैं, विजिबल है? हाँ या ना में अगर जवाब दे पाए। ओके, थैंक यू। चलिए, ये चीज है जो हम देख रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक ओजी यूएसडी का चार्ट ले लेता हूँ। देखिए ओजी यूएसडी को हम देख रहे थे, ये ओजी यूएसडी का चार्ट है, ओके। और दूसरा मैं ऐसा करता हूँ, करेंसी इंडिकेटर को हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, और दूसरा हम इसको बदल देते हैं अप डाउन। तो आप नीचे देखें ओजी यूएसडी
और नीचे हम ले लेते हैं अगर हम गोल्ड को ले लें। ओके, इसमें भी यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो पहले ऊपर हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नीचे हो गया आपका गोल्ड, दोनों ये 1 आवर में है, और इसको भी हम ये 4 आवर में, हम इसको भी 4 आवर में देख लेते। तो अब यही देखना होता है कि किस दौरान किस टाइम फ्रेम में वो कितना कोरिलेशन है, तो वही चेक करने की बात है। अगर यहाँ पर आप देखें, अगर हम इस पीरियड को एनालाइज करके देखें, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चार्ट पूरा सेम होना चाहिए, तो मैं रुकिए, क्योंकि अगर मैं दोनों की एरो ठीक नहीं जा रही, अब ये पूरी तरीके से अलाइन, क्योंकि दोनों में ये लाइन बिल्कुल ठीक आ रही। तो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे गया, सेम यहाँ पर भी देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन होगा आपका वो 80-90% के आसपास, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, चल रहा है ठीक, दोनों यहां तक भी ठीक चला 80-90%, और उसके बाद डायरेक्शन देखिए यहां से गोल्ड जो है साइडवेज में जाना शुरू हो गया, पर आपका OGUSD ऊपर जा रहा है। तो यहां पर इस एरिया तक आपका जो कोरिलेशन होगा वो 80-90% 0.90, 0.80 जो भी, या तो आप उस साइड से चेक कर सकते हैं, या आप अपना खुद का 6 महीने 1 साल का नंबर जो निकलता, पर इस दौरान ये कम होता शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो स्टेबल साइडवेज में जा रहा है, दूसरा ऊपर में जा रहा है, या फिर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर फिर वो कोरिलेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा के लिए कभी ऐसा नहीं होगा कि तो सेम आपका कोरिलेशन चला हुआ, ये नंबर चेंज होते रहते हैं। तो OGUSD के थ्रू मैं यही आपको बताना चाहता था कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको चार्ट को और पीछे जाके देखें, यहां से हमारा मैच करना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये नीचे है ऊपर है, मैं इसको मैच करूं तो हम यहाँ पर अब सेम जगह पे है। ओके, अगेन यहां से भी प्राइस आपका नीचे जाना शुरू हुआ और यहां से भी नीचे, तो ये भी अगेन आपका 90%, यहां से ये साइडवेज में चल रहा है, यहां पर ऊपर नीचे दोनों चीज कवर कर चुका है, तो यहां पर कोरिलेशन इतना नहीं होगा जितना कोरिलेशन, तो यहां से मानिए आपका कोरिलेशन स्टार्ट हुआ था 19 अप्रैल से, आपका कोरिलेशन 24 मई 2020, तो 19 अप्रैल 2022 से अप्रैल मई 2 महीने मान के चले, तो आपका कोरिलेशन जो था ऑस्ट्रेलियन डॉलर और गोल्ड के साथ बहुत अच्छा, उसके बाद वो कम होता शुरू हो गया, या उससे पहले इतना नहीं था। तो वही पीरियड को हमें चेक करना चाहिए कि जब भी आप एनालाइज कर रहे हैं क्या वो कोरिलेटेड है या नहीं। मैं एक ही पेयर या OGUSD गोल्ड में दोनों में ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा हूं, पर क्या कर रहे हैं आप एक ही तरीके के ट्रेड ले रहे हैं, अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। मैंने 5 लॉट गोल्ड में ले लिए, ओके दूसरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ले लेता हूँ, ये ट्रेड अलग है, पर वो ट्रेड अलग नहीं है अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, वो सेम ही तरीके का ट्रेड है, आप अपना एक्सपोजर और बढ़ा रहे हैं, आप अपना रिस्क और बढ़ा रहे हैं, अगर एक लूज में जाएगा दूसरा लूजिंग में जाएगा अगर वो पॉजिटिव रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने आपको शुरू हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यूरो यूएसडी को ले लेते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉइंग हटा देता हूं, जो भी ड्रॉइंग है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं USD स्विस फ्रैंक, जो कि निगेटिव रिकॉर्डेड है, सबको हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, दोनों को एक जगह पे ले आते हैं, इसको देखिए ये 4 आवर है, ये 4 आवर, अब इसको हम मैच कर, तो जैसे मैंने बोला मोस्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड रहते हैं, पर परसेंटेज डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहां से प्राइस आप देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां तक ऊपर गया, और सेम यहां पर इसी जगह पर प्राइस से नीचे की जा रहा है, तो यहां पर कोरिलेशन हमेशा नेगेटिवली कोरिलेटेड रहेगा, क्योंकि करेंसी दोनों अपोजिट में है, यहां पर USD फर्स्ट है और यूरो में USD बिहाइंड पीछे है, और दोनों के अगेंस्ट में यूरो यूरो रीजन की करेंसी है, यूरोपियन का यूरो आ गया, और फिर स्विस फ्रैंक जो स्विट्जरलैंड जो कि यूरो में आता है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से करेंसी आपकी साइड थोड़ा यहां पर भी साइड चली, यहां से नीचे जाना शुरू हो गया, यहां से ऊपर जाना शुरू हो गया, बस वही थोड़ा कितना लंबा मूव यहां पर जाएगा वो कोरिलेशन से थोड़ा ऊपर, तो वही 80-70-90, पर मोस्टली ये 70 और 90 के बीच में ही रहता है, उसके बाद सीधा डाउन और यहां से अब जा रहा है, पर देखिए दोनों का डिफरेंस, यहां पर शार्प डाउन नीचे की तरफ हो उसके बाद ऊपर, तो कोरिलेशन का वही परसेंटेज हमें देखना होता है कि कितनी परसेंटेज है, कितना चेंज हो रहा है। अगर और पीछे देखें, दोनों को पहले चार्ट को हम मैच कर लेते हैं कि हम सेम जगह पे हैं, यहां पर सेम जगह पे है, दोनों लाइन मैच कर रही है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोबारा आते यहां से देखिए रन शुरू हुआ, ये पॉइंट सेम है यहां पर, और सेम अगर मैं नीचे जाऊं तो इसी जगह पर आप यहां पर देखें करेंसी, उसके बाद पूरा बुल रन यहां से दिया, कहां तक
यहां तक, और यहां से पूरा डाउन टर्न यहां तक। यहां पर थोड़ी रिट्रेसमेंट ज्यादा मिली है, पर यहां पर सीधा स्मूथ मिला है, यहां पर रिट्रेसमेंट थोड़ी मिली है। तो ऑलमोस्ट 80-90% कोरिलेशन है जो कि नेगेटिवली कोरिलेटेड है, दोनों करेंसी एक दूसरे के अपोजिट जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, जैसे मैंने बोला डिपेंड करता है क्या मॉनेटरी कंडीशन है वहां की, क्या इंटरेस्ट रेट है, जीडीपी डाटा वगैरह, पॉलिटिकल पर, क्योंकि ये मोस्टली कॉमन है दोनों में, यूएसडी और यूरो स्विस फ्रैंक। तो 70.70 मैं कहूंगा, 0.65 2.90 मैं कहता हूँ 1 के आसपास भी ये कोरिलेटेड रहती है, दोनों अगेंस्ट चलती है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, यूरो स्विस फ्रैंक भी, बहुत रेयर चांस में वो हो पाएगा। आपको देखें बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें फिर बात अलग है, पर अगर आप कोरिलेशन को चेक करना चाहेंगे फिर आप बड़ी चीजों को देखेंगे। इंद्रजीत कुमार, फर्स्ट टाइम गेटिंग सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडर, थैंक यू। थैंक यू इंद्रजीत जी, आप ये चीजें समझ पाएंगे और हम इसको अभी कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें और चीजें इसके डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको केवल यही बता रहा हूँ कि आप जब भी ट्रेड लें तो ये मत समझे कि बस मैंने यूरो यूएसडी में बाय कर लिया है, यूएसडी स्विस फ्रैंक में भी बाय कर लिया। अब क्या कर रहे हैं आप, अपनी एक दोनों पोजिशन को एक दूसरे से काट रहे हैं, एक में आप बाय कर रहे हैं दूसरे में सेल कर रहे हैं, पर दोनों एक जगह से एक ही तरीके का ट्रेड ले लिया, तो प्रॉब्लम आ गई आपके अकाउंट के लिए। आपको डिटेल पता नहीं थी कि मतलब कि आपको तो लग रहा है कि मैंने दो अलग ट्रेड लिए हैं, पर आप एक ही तरीके के ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, वहां पर बाय या सेल उस तरीके से कर, वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। और फिर आप सोचते हैं ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो अलग अलग ट्रेड लिए थे, दोनों एक जगह पे क्यों लॉस कर। यही चीजें हैं, इन चीजों को क्लैरिफाई आपको करना होगा, ये बेसिक चीजें फंडामेंटल है आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग करें कोई भी फील्ड में जाए, पहले जो टेक्निकलिटी है उन चीज को पता करें, और जैसे मैंने बोला हमेशा के लिए कोरिलेटेड नहीं रहेंगे, चेंजेस आते रहते हैं और उन चीजों को हमें देखना होता है। अभी जो है इन्फ्लेशन का टाइम है, वॉर है, तो काफी चीजें हैं जो मैटर करती है, पर अगर आप जस्ट बेसिक फैक्टर देखें, यूरो यूएसडी यूएसडी स्विस फ्रैंक हमेशा नेगेटिवली कोरिलेटेड रहेंगे, बस रेशोस ऊपर नीचे हो सकती है, कभी वो 95 तक जा सकता है, कभी वो 0.65-30 तक जा सकता है। ठीक है, अभी हम अपने टेक में चलते हैं। तो होपफुली गाइज आपको इससे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ डाटा जो मैं सिखाना चाहता आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। यही इतना ही ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सेकंड जो हमारा लास्ट वेबिनार होगा इसमें और हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, फिर आप ट्रेड कैसे लेंगे, क्या चीजें हैं, किस तरीके से, वो सब कुछ हम वहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको बताना चाहूँ, आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, सिग्नल और कॉल मैं कभी नहीं देता हूँ गाइस, काफी फेक चैनल है, मेरे पास काफी मैसेज आ रहे हैं आजकल कि ये सिग्नल ये आप हो गया, ये मैं कभी कोई सिग्नल या कॉल आपसे कोई पैसे नहीं मांगूंगा इस तरीके से कि आप मुझे दीजिए और यस आपको मैं रीच आउट करूंगा। मेरे लिए जो बेस्ट है, तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे पास ईमेल पे या इंस्टाग्राम की जो मैसेंजर है वहां पर, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन है वहीं से आप क्लिक करके मेरे को मैसेज, ये नहीं कि किसी और अकाउंट पे जाके करते हैं। और अगर कोर्स जो मेरा एक कोर्स है जो मंथली रहता है, वहाँ पे 10-15-20 इतने से बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स मैं वहां पर लेता हूँ, और जो आप अप्रोच करते हैं उसी के मैं रिप्लाई करता हूँ जो ईमेल पर। तो इसके अलावा मैं और कुछ नहीं है, कोई फेक सिग्नल या कॉल मैं कुछ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो बच के रहिए जो स्कैम हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया, जैसे मैंने बोला इंस्टाग्राम पर फॉरेक्स सेल्वी का है, जो यूट्यूब के वीडियो में डिस्क्रिप्शन है वहीं से लिंक है, वहीं से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन और डाउट आप पूछ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम का चैनल है, अकाउंट आपका टिकमेल में अगर है ठीक है, नहीं है खोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे लिंक से खोल लेंगे, कोई इशू आता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपका नहीं खोलना चाहते आप अपने लिख से कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो होपफुली आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको अच्छा लगा ये वेबिनार, कुछ नॉलेज मिली जस्ट मुझे बताइए फीडबैक के लिए। ये हमारा तीसरा वेबिनार था और एक चौथा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे ट्रेडिंग के लिए। विशाल मेहता जी, सर ब्रेकआउट का वीडियो कब तक मिल जाएगा? ब्रेकआउट का वीडियो भी मैंने नहीं बनाया, तो उसके बारे में हम आगे किसी वेबिनार में करेंगे, इसमें प्लान अभी नहीं है हमारा कि अभी मैं इसको कवर करूं इस शेड्यूल। ठीक है सर, आप हमें सभी फॉरेक्स ट्रेडर का लिस्ट प्रोवाइड करवा दीजिए जो एक साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, और कौन कौन से नेगेटिव जी उसे तो जी इसको मैं कवर करूंगा किसी वीडियो में। ईशांत जी थैंक यू, यस सर, या वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन तो जी ईशांत, वैल्यूबल यस हेल्पफुल, थैंक यू एवरीवन आपकी फीडबैक के लिए। मैंने लास्ट वेबिनार में भी पूछा था क्या कोई टॉपिक है जो कवर करना चाहते हैं, अगर कोई नया पर्सन है, मैंने काफी टॉपिक
नोट किए थे जो कि हम कवर करेंगे अगर हम और वेबिनार होंगे जो इन फ्यूचर में भी होंगे, तो मैं सबके फीडबैक ले रहा हूँ। अगर आपके कोई ऐसा टॉपिक है जो पिछली बार मैं मिस कर गया हूँ, कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं कवर करूँ, तो आप डेफिनेटली सजेशन देख सकते हैं उस पर वर्क करने में। उस पर गुड टॉपिक, थैंक्स सर। ट्रेंड रिवर्सल का टॉपिक, हाँ ट्रेंड रिवर्सल के बारे में भी हम, इसके बारे में लास्ट टाइम मैंने नोट किया था और इस बार भी मैं इसको नोट कर लेता हूँ। बोलिंजर बैंड पे भी पिछली बार बताया था, वो नोटेड है। सर जी, इंडेक्स का क्या असर होता है? इंडेक्स के लिए ऐसा होगा कि मैं नेक्स्ट मंथ से जो हमारा फोरकास्ट है उसको स्प्लिट करूंगा, तो वहां पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स एक जगह पे दो, तो दो वीडियो को रखेंगे ताकि आपको वहां पर भी हम इंडेक्स को भी कवर कर सके। तो आप सुनील जी आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम उसको भी कवर करेंगे अपने फोरकास्ट। सांत्या जी, फ्रेक ब्रेकआउट के बारे में बताइए, फ्रेक ब्रेकआउट के बारे में भी बात करेंगे। ओके सर ये, हाँ जी यूट्यूब पर भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, तो फ्राइडे सैटरडे या फिर नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। डीएक्स वाई इफेक्ट ये भी होगा, डेफिनेटली उसको भी करेंगे। डीएक्स वाई इफेक्ट मैं डेफिनेटली कवर करूंगा। ओके, मंडे और फ्राइडे को लॉस क्यों होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मंडे को मार्केट ओपन होनी होती है, ठीक है, तो मोस्टली जल्दी से एकदम से ट्रेड नहीं होता, तो मार्केट डेड सी रहती है, अनलेस अगर जो मूव भी आते हैं फेक मूव एकदम से ऊपर, फिर सेम अपोजिट जितना मूव ऊपर गया उतना ही नीचे। तो आप लंबे टाइम के लिए एकदम से मंडे को ओपन ना करें जब तक कि यूएस मार्केट ना खुल जाए, ताकि आपको क्लियर डायरेक्शन ना मिल पाए, ठीक है। फ्राइडे को क्या होता है, जो आपके वीकली है उन्हें प्रॉफिट दिखाना होता है, उन्हें अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। अगर वो मंडे तक जिन्होंने ओपन की हुई है और फ्राइडे तक वो उससे ज्यादा वो लॉन्ग नहीं करेंगे, तो जो भी हो प्रॉफिट उसको काटना होता है, तो वो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो मंडे फ्राइडे को थोड़ा बच के रहिए, केयरफुली ट्रेड कीजिए। मैं इसको मास्टर लास्ट मंथ से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जब अभी तक कोई भी मंथ नेगेटिव नहीं गया है, एवरी मंथ प्रॉफिट में रहा हूँ। थैंक यू नरेश कुमार जी, यही फीडबैक मेरे लिए बहुत एक तरीके से रिवॉर्ड है, ऐसा ही मैं सुनना चाहता हूँ, ताकि कुछ हेल्प हो रही है, कुछ लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो ये जो एक एफर्ट स्टार्ट किया था उससे फायदा मिल रहा है, दैट्स इनफ, इतना बहुत। थैंक यू नरेश कुमार जी आपके फीडबैक और शेयर करने। सुनील जी थैंक यू। सब आप जॉब करते समय टाइम कैसे मैनेज करते थे ये बताइए। सर जो जॉब करते समय, देखिए फॉरेक्स जो है 24 आवर्स है, तो अगर आप एक सेशन को ट्रेड कर सकते थे, या अगर मेरी कोई पोजीशन ओपन रहती थी, जैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर मेरा पहला वीडियो देखें कि कैसे मैं उस ट्रेड को बार बार देखता था ऑफिस आवर में या कुछ भी, तो उसमें एक स्टोरी इंटरेस्टिंग शेयर की हुई है जो मेरा पहला वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। सर पैटर्न ट्रेडिंग के वीडियो यूट्यूब पे डालो, कुछ डाले हुए हैं और आने वाले दिनों में भी डालूंगा, तो जो फ्लैग वाला है वो भी आ जाएगा आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा। ओके फ्राइडे को तक मैं आपको जो पैटर्न वाला ट्रेडिंग का वीडियो था वो भी आपको दे दूंगा। इंडिकेटर जरूरी है, इंडिकेटर देखिए कंफर्मेशन के लिए है, एक डायरेक्शन पता करने के लिए किसी हद तक कह सकता हूँ जरूरी है, पर जस्ट उसके बेस पे ही ट्रेडिंग करें मैं नहीं कहूंगा, वो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। इंडिकेटर अगर मेरा आपने एक पॉडकास्ट सुना होगा, इंडिकेटर क्या है कि बारिश होने वाली है, फोरकास्ट है होने वाली, जरूरी नहीं है कि बारिश, ठीक है ना। अगर मेरा वो पॉडकास्ट की सीरीज सुनेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे समझ पाएंगे। तो इंडिकेशन और फैक्ट दोनों अलग अलग चीज है। इंडिकेशन हुई है कि हाँ बारिश होगी, और कितने परसेंट, 90%, 60%, 70%, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, हो या ना हो रियलिटी अलग हो सकती, ठीक है। थैंक यू मच, थैंक यू निशान जी, आई एम जस्ट फॉलोइंग लिक्विडिटी एवरेज एंड ओके। जो भी आप फॉलो करना चाहें करें, अगर आपके लिए काम कर रहा है ठीक है, आप उसको फॉलो करते रहिए, जो चीज काम कर रही है उसको चेंज मत कीजिए। सर आप स्क्रीन के सामने कितने, अगर मुझे कोई सेटअप मिला, देखिए विद इन हाफ एन आवर मुझे पता चल जाता है मुझे कोई इस सेशन में सेटअप मिल रहा है, ट्रेड मिल रहा है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है छोड़िए, फिर अपने बाकी काम करिए, आपको 24 आवर मार्केट सामने नहीं रहना। एक सेशन ट्रेड करिए, दो सेशन मैक्सिमम, अगर मैं एक ही सेशन ट्रेड करता हूँ, या तो मैं लंदन करूँगा, अगर मैं यूएस कर रहा हूँ या यूएस कर रहा हूँ, तो वो एक ही सेशन कोई भी आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको बार बार स्क्रीन के सामने नहीं, तो आप जो लंदन में कमाएंगे यूएस को ऊपर वापस कर देंगे। तो जितना आप ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा फिर आप उसको मार्केट को रिकवरी बाद में दे देते। सर आप कितने अर्न करते हो? देखिए मैं पर्सनल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करता हूँ। आफ्टर स्टडी एंड सी योर लॉट्स ऑफ वीडियो स्टार्टेड रियल ट्रेडिंग लास्ट वीक आई मेड 70 डॉलर प्रॉफिट यूजिंग ओनली $100 इक्विटी एंड आई विल नेवर ट्रेड ऑन फ्राइडे। थैंक यू दशरथ जी, पर 100 का 70 किया है तो इसका मतलब क्या है? जस्ट एक सिंपल मैं गैस कर रहा हूँ, आप रिस्क बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। अगर आपने 100 का 70 एकदम से कमा लिया तो चांसेस क्या है, आप रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं, जल्दी से वो चला भी जाएगा। तो रिस्क को मैनेज कीजिए, जल्दी से डबल ट्रिपल करने के चक्कर में मतलब ये नहीं, तो जो जितनी जल्दी आता है अगर उतनी जल्दी चला भी जाएगा, ठीक है। तो केयरफुली ट्रेड कीजिए।
आफ्टर थ्री ओके यूजिंग रिस्क 6% ओके 6% ओके है ठीक है अगर आप मैनेज कर रहे हैं डेफिनेटली गुड। राकी जी सर मैं डेमो बिना हिजक के ट्रेड लेता हूँ सभी भी सही भी जाता है पर आंसर बट जब मैं रियल अकाउंट में ट्रेड लेता हूँ तो टारगेट से पहले जैसे ही हल्का सा प्रॉफिट होता है मैं क्लोज कर देता हूँ वॉइस प्लीज सर इसमें तो आपका साइकोलॉजी का इम्पैक्ट है आप लूज नहीं करना आप लूज से कंफर्टेबल नहीं है लूजिंग से कंफर्टेबल नहीं है और प्रॉफिट से एकदम जो भी आए ठीक है ना ट्रेड लीजिए बंद कर दीजिए लैपटॉप जो भी है 3-4 घंटे बाद देखिए अब वो या तो स्टॉप लॉस हिट करेगा या टारगेट प्रॉफिट हिट करेगा ठीक है ना आप बीच में ना आपने जो काम करना था वो ट्रेड लेने से पहले करना था कि क्या एनालिसिस है सारा कुछ अब आप उसके बीच में बार बार आ रहे हैं डेमो में क्या होता है रियल मनी नहीं है लगा दिया एंट्री देखेंगे 1 दिन बाद 2 महीनों और 2 दिन बाद अरे तो रिपीट हो गया क्यों क्योंकि आप बीच में नहीं आए थे उसके रियल में क्या होता है आप बीच में आ रहे हैं जितना आप बार बार बीच में आएंगे वो आप ट्रेड को काम करने नहीं दे रहे हैं अपना जो उसने करना था आपका काम ट्रेड से पहले है बाद में आप उसको करने दीजिए सारा काम आप ही करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। Superb सर फॉर योर सपोर्ट थैंक्स सर FBB ट्रेडर के बारे में कोई अपडेट नहीं उसके बारे में कुछ नहीं पर थैंक यू आपके कमेंट के लिए स्विंग ट्रेडिंग पर भी वीडियो बनाए जरूर उसको कोशिश करेंगे स्विंग ट्रेडिंग सर MT5 यूज करते हो गए हाँ MT5 MT4 मैं दोनों यूज करता हूँ सर US मार्केट में ट्रेड कितने टाइम फ्रेम में कर सकते हैं आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करना चाहे डिपेंड करता है आप इंट्राडे है स्विंग है आप 15 मिनट 1 आवर 4 आवर जिसमें आप करना चाहें तो सर आकर मुटकर जी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज थैंक यू सर ओके गाइस कुछ 2-3 क्वेश्चन और लेना चाहूंगा मैं अगर और कोई क्वेश्चन हो आपके कोई डाउट्स हो सर और कहाँ से सीखें जी देखिए पूरी सब जगह सब लोग सिखा रहे हैं सीखने के लिए तो आप सीख सकते हैं बात यह है कि आप क्या सीख रहे हैं ठीक है अब अगर आप गलत चीज को सीख रहे हैं उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं पर आप गलत जगह पर जा रहे हैं तो फाइंड आउट कीजिए जो चीज आपके लिए काम कर रही है जस्ट कुछ सिखा रहे हैं उसको अप्लाई भी कीजिए जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये रियल में काम करता है ठीक है उसको टेस्ट भी कीजिए डेमो में देखिए हाउ टू जॉइन योर ट्रेनिंग सेशन पुष्कर जी मेरा मंथली बैच होता है जैसे मैंने बताया तो अगर जो भी बैच हो अगर उसमें सीट हो आप मेरे को ईमेल में यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ हर महीने में एक बैच लेता हूँ लिमिटेड स्टूडेंट्स रहते हैं और इंस्टाग्राम पर मैं एक पोस्ट डालता हूँ उसके बारे में कि हाँ ये बैच शुरू होने वाला है उसके अलावा कुछ नहीं तो मोस्टली आप मेरे यूट्यूब पे ही बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला हुआ वहां से सीख सकते हैं पर्सनली सीखना है तो वहां पर मेरे को ईमेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए कोर्स करना जरूरी है क्या सर जरूरी नहीं है अगर आप उससे सीख सकते हैं जो आप कहीं से भी सीख रहे हैं आप प्रॉफिटेबल में हैं तो ओके बात यही कि भाई आप अगर जो कर रहे हैं वो काम कर रहा है उसी पे स्टिक रहिए जो मुर्गी अगर अंडा दे रही है सोने का अंडा रोज दे रही है ठीक है उसका गर्दन मत काटिए उसमें चेंजेस करने की कोशिश मत कीजिए और आपको लगता है वो नहीं कर रही है काम आपको कुछ आप में कुछ लैग है कुछ कमी है अभी भी नहीं हो पा रहा है फिर डेफिनेटली आपको गाइडेंस कीजिए ओके थैंक यू सर यू फंडेड ओके नहीं मैं फंडेड अकाउंट में यूज नहीं करता हूँ पर हाँ मेरे अकाउंट वैसे हैं जहाँ पर वो क्वालिफिकेशन बड़े अकाउंट लिए हुए हैं ताकि ज्यादा स्प्लिट ना करना पड़े तो काफी अकाउंट्स हैं मोस्टली मैं अपने ट्रेड करूंगा क्यों मैं प्रॉफिट स्प्लिट करूँ अगर कोई ज्यादा अकाउंट लिए भी हुए हैं तो वहां पर वो पहले दिन से ही रहता है कि आपके साथ स्प्लिट हो संतोष जी मेरे को ईमेल में कॉन्टेक्ट कीजिए तो वहां पर आपको डिटेल पता चल जाएगी कोर्स के बारे में जो भी सर ऑक्टाफेक्स कॉपी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइडर बनने के बारे में कुछ सजेशन देखिए मैं वहां पर आपको सजेस्ट आप बनना चाहते हैं तो सीधा अकाउंट ओपन कीजिए बनिए जो भी है सारा कुछ वहां पर फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको करना है सर एफटीओ को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाए हुआ है बल्कि 2 वीडियो बनाए हुए हैं आप देखिए वहां पर क्या स्टेप बाय स्टेप है क्या है सारा कुछ डिपॉजिट विड्रॉल क्या प्लान है वो आप देख सकते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं सर एफडी हमें एवरी डे हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट मेरा एक पॉडकास्ट मेरे पॉडकास्ट की सीरीज देखिए सुनिए जरूर 15 पॉडकास्ट किए हैं मैंने अभी तक यूट्यूब पर सभी डाले हुए और ये क्वेश्चन वहां पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि हमें कितने ट्रेड लेने चाहिए क्या लॉस हो प्रॉफिट यहाँ पर मैं 2-4 लाइन में दूंगा आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा पर अगर वहां पर उनको सुनेंगे आपको पता चलेगा उन पॉडकास्ट को बार बार सुनेंगे तो बहुत ही डिटेल डीप वैल्यू ठीक है ना जब तक आप उसके साथ पूरी तरीके से जल नहीं हो जाते तब आपको पता चलेगा तो 10 स्टेप फॉर बिकमिंग बेटर ट्रेडर ये एक सीरीज है 10 एपिसोड है उसके पॉडकास्ट के और 4-5 एपिसोड जो और बाकी चीजों के ऊपर है तो उनको सुनिए जरा पता चल जाएगा डिटेल में आंसर आपको मिल जाएगा। नाइट में कोर्स आपका कोई नहीं है
क्या मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता? नहीं, मैं नाइट में कोई कोर्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, इसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। सर जी, डिफरेंट अकाउंट पर सेम करेंसी ट्रेड होती है या डिफरेंट करेंसी ट्रेड? और डिफरेंट करेंसी ट्रेड कर सकते हैं सेम अकाउंट पर, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके की करेंसी ट्रेड। टीपी ग्लोबल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। सर, एफटीएमओ का फॉर्म फिल करके अप्लाई करने के लिए आपके वीडियो के लिंक में है? हाँ जी, वहीं पर है, आप वहां से उसको लिंक कर से ओपन कर सकते हैं। वहां पर फॉर्म फिल करने के लिए, वही जो भी रजिस्टर करना है वहां से कर सकते हैं, कोई इशू आता है मुझे बताइएगा ईमेल में, जैसे मैंने बोला। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पर टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। होपफुली मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाया, अगर नहीं दे पाया हूँ तो माफ कीजिएगा। आप जब भी ये वीडियो यूट्यूब पर आएगा, वहां पर जो भी कमेंट डालेंगे मैं वहां पर आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, विद इन 1 or 2 days आपके वहां पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? और ये तीसरा वेबिनार था, चौथा वेबिनार हमारा थर्सडे को है सेम 9 PM पर, तो वहां पर आपको हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में चीजें बात करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया, होपफुली आप यहाँ पर कुछ सीखे होंगे। आप क्रिकेट मैच छोड़ के आ रहे हैं, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, इंडिया आयरलैंड का मैच चल रहा है और बीच में हम यहाँ पर वेबिनार कर रहे हैं, तो सॉरी जो इंटरेस्ट रखते हैं और उसके बीच में मैंने रखा हुआ है, ठीक है? तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वन में थर्सडे में, और हम ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे कोरिलेशन से। ओके गाइस, थैंक यू, गुड बाय।